Orlando, and yeah, amazing sort of old university here. जो आप फॉरनर को देखिए, उनका नाम लूक है, वो आपका यूके से आए हुए हैं, वो करीब आपका 2 साल से साइकिलिंग करे, 2 साल से रग्बी खिलाड़ी लुक ग्रेनफुल शॉ, जो कैंसर पीड़ित होते हुए भी लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से साइकिल द्वारा पूरे विश्व की यात्रा पर निकले हैं। ये अपने शहर ब्रिस्टल के नाम से यात्रा का नाम ब्रिस्टल टू बीजिंग रखा है। इस माह तक वे 27 देशों की यात्रा कर पाकिस्तान के बाद भारत पहुँचे हैं। आज वे नालंदा पहुँचे हैं, जहाँ उन्होंने नालंदा के प्राचीन भग्नावशेष का अवलोकन किया। इसके बाद वे चीन जाएंगे, जहां उनकी यात्रा संपन्न होगी। उनके हौसले को देखते हुए कोलकाता के 3 युवकों ने उनसे प्रेरित होकर उनका साथ दे रहे हैं। खिलाड़ी लुक ग्रेनफुल ने बताया कि 24 साल की उम्र में उन्हें पता चल गया था कि उन्हें कैंसर हो गया है। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन से निराश नहीं होते हुए साइकिलिंग कर पूरे देश की यात्रा करने का मन बनाया। धीरे धीरे कैंसर 4th स्टेज में पहुँच गया है, बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। उन्होंने बताया कि इस यात्रा से जो भी राशि इकट्ठा होगी, उस राशि को वे कैंसर अस्पताल को दान देंगे। स्वर्ण रानी के साथ नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। नालंदा एंड yeah, amazing sort of old university here. It's kind of interesting to see the conditions that they lived in. You quite small rooms, but then open spaces. So yeah, it's kind of amazing to see this structures still intact, and to kind of imagine what it was like, you know, 1,600 years ago. So yeah, it's really wonderful to be here. What is your name and you are from? My name is Luke Grenfell Shaw, and I'm cycling from the UK to China. What is your view of journey? What is my purpose? My purpose is to live my life as richly and fully as possible, and to hopefully try and inspire people to live their lives fully as well. How you feel? Good. Thank you. जो आप फॉरनर को देखे, उनका नाम लूक है, वो आपका यूके से आए हुए हैं, वो करीब आपका 2 साल से साइकिलिंग करे, 2 साल से आपका यूके से निकले हैं, और अभी तक आपका 27 कंट्रीज में घूम चुके हैं, और घूम के अभी करेंटली अभी इंडिया में है, और इंडिया में आपका अभी कलकत्ता सिटी होकर वहाँ से आपका और भी सिटी घूमकर उसके बाद वो चाइना जाएंगे। तो इनका मेन मोटिव है कि ब्रिस्टल से निकले हैं, ब्रिस्टल से निकल के बीजिंग जाना है जो चाइना में है। तो बेसिकली इनका कैंसर है, जो स्टेज 4 का कैंसर है अभी इनका। तो जब ये कैंसर था इनको पता चला 24 साल में, जब ये 24 साल का उम्र में थे इनको पता चला कि इनका कैंसर है। तो उसके बाद ये डिसाइड किए कि ऐसे घर पे नहीं बैठ के अपना टाइम झुंड का वेस्ट नहीं करके, जबकि किसी को हम उद्देश्य देंगे, जिसको कैंसर रहने से भी आदमी बहुत कुछ कर सकता है, और दूसरा कैंसर लोग को भी हेल्प कर सकता है। जैसे कि आपका ये साइकिलिंग कर रहे हैं, बट ये कैंसर लोग के लिए फंड रेज कर रहे हैं। जो पैसा होगा वो आपका 4-5 जो कैंसर का हॉस्पिटल है उसमें ये पैसा जाकर दे देंगे। तो इनका एक ही उद्देश्य है कि सबको बोलना चाहते हैं कि कैंसर होने से भी कोई डिमोटिवेट ना हो, उसके कैंसर रहने के बावजूद भी आदमी बहुत कुछ कर सकता है लाइफ में। जैसे कि इतना साइकिल चलाना बहुत हार्ड है, ये यूके से चला के इतना कई हज़ार किलोमीटर हो गया चला कर इधर तक आए हैं, जब इतना मुश्किल काम कर सकते हैं, तो जिनका कैंसर है उनको यही बताना चाहते हैं कि आप भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपका कुछ भी करना है, कुछ भी इच्छा है, आप पूरा कर सकते हैं। और हम लोग आपका कोलकाता से आए हैं, जंगल क्रॉस फाउंडेशन से। तो हम लोग देखे कि ये अभी पटना में है, और इनका जो साइकिल है टेंडम साइकिल है, जिसमें 2 जन बैठ के चलाते हैं, अकेला नहीं ज़्यादा टफ पड़ेगा, 2 जन रहेगा थोड़ा इजी पड़ेगा। तो हम लोग जब देखे कि ये इतना स्ट्रगल करके यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम लोग इनका सहयोग करने के लिए पटना में आ गए। और पटना से अभी हम लोग साइकिल चलाकर इनको, अभी हम लोग जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में है, तो यहाँ पर घुमाकर थोड़ा बहुत, और हम लोग आपका झारखंड उसके बाद कोलकाता की तरफ जाएंगे।